की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन आज 24 सितंबर को रांची रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे किया गया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्री अब 27 सितंबर को ले सकेंगे इसकी सेवा। सप्ताह में 6 दिन ट्रेन का परिचालन होगा, सिर्फ मंगलवार को ट्रेन नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को 11 राज्यों को जोड़ने वाली रांची हावड़ा व पटना हावड़ा समेत 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात शामिल है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसा माना जा रहा है कि रांची से हावड़ा के लिए चलने वाले वंदे भारत ट्रेन उन व्यापारियों को अधिक लाभ पहुंचाएगी जो कोलकाता और रांची के बीच अधिकतर व्यवसाय के सिलसिले में आना जाना करते हैं। वंदे भारत ट्रेन अपने संचालन के मार्गों पर सबसे तेज गति वाली ट्रेन होगी और इससे यात्रियों का काफ़ी समय बच सकेगा। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम रांची स्टेशन पर रखा गया था, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सांसद संजय सेठ, महुआ मांझी, आदित्य साहू, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन सहित रेलवे बोर्ड के अधिकारी, साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम, डीआरएम मौजूद थे। इस दौरान रांची से खुलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने वाले यात्रियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा था। This is very very important now. The local economy should get it rotated within the local. That is rural economy of us should get it rotated within that local area, within that rural area. The development and the living standards of our poor people will increase. That is what he is insisting. वली सबसे पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म सभी बहुत उपेक्षित हैं, टूटे फूटे हैं, जर्जर है, असुरक्षित है, उनमें पहले लगाना चाहिए। फिर जो रेलवे जो रेल टूटे हुए हैं थोड़ा ग्रामीण इलाके का, या फिर बहुत सारे लोकल ट्रेन भी है, या जैसे भी ट्रेन उनकी उनको सुधारना चाहिए। और उसके बाद अगर हम हाईफाई ट्रेन बनाएं तो वो शायद जनता को ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि एक तरफ किराया तो बहुत बड़ी बात है कि किराया इतनी अधिक है, ये अपर क्लास के लिए हो गया। अपर क्लास तो ऐसे भी फ्लाइट में सफ़र करती है, इसीलिए वंदे भारत में जो सीट्स खाली हैं, जो सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जो इतनी किराया देगा वो हवाई जहाज़ में नहीं चला जाएगा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि एक बार उन ट्रेनों के बारे में भी सोचा जाए जिनकी हालत बहुत जर्जर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम किराए की वजह से लोग उन्हीं ट्रेनों पे। अभी भी आप देखिएगा कि हावड़ा के लिए जो ट्रेनें चलती हैं जिसमें किराया कम है उसी में भीड़ उमड़ेगी, और उनकी स्थिति को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हम फोकस करें हाई फाई और टेक्नोलॉजी पर, तो तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। वैसे स्वागत है, जो भी नया होता है उसका हम स्वागत करते हैं और शुभकामना देते हैं। थैंक यू। जो है उसमें रियायत दे सकती है, तो अभी जस्ट शुरू हुई है, अब इसकी पॉपुलैरिटी हम लोग देखते हैं। अगर ये अगर पूरी फुल ऑक्यूपेंसी से जा रही है, इसका मतलब लोगों में वो पेइंग कैपेसिटी है। अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो उसमें जो है जोनल लेवल पे कुछ रियायत दी गई है, जिसमें हम लोग उसमें रिबेट दे सकते हैं। सर, 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 एक मिनट, पटना रांची जो वंदे भारत चल रही है वो 70% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, एसी बंद कर देते हैं। खुद मैंने 4 दिन पहले 139 पे कंप्लेन करके एसी चलवाया है आगे चल करके। खैर नहीं, ठीक है, अभी फेयर की वजह से भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसे मैंने बतलाया कि एक ऑक्यूपेंसी से बिलो अगर ट्रेन की पॉपुलैरिटी है तो उसमें कुछ रिबेट दिया जा सकता है। ये भारत मंत्रालय ने ऑलरेडी अधिसूचना जारी की गई है, तो उसमें मैं देख लूँगा। जो आपने बतलाया कि जो रांची पटना वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 70% से, हो सकता है किसी एक दिन 70% हो, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। और अगर कुछ मेंटेनेंस की जो भी कमियाँ रहती हैं और रेल मदद है में जो भी कंप्लेंट होता है उसको हम लोग तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसको रिपेयर कराते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।